नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू नान, वो भी तवे पे बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं बनेगा, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। और वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे कि ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट करारा जो नान है, आलू नान हमारा बन के तैयार होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी है, ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/4 टीस्पून नमक है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1 टीस्पून तेल है। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। अब 1/4 कप ये दही डाल रही हूँ, फ्रेश दही है, खट्टा नहीं है ये। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इससे डो हमने सॉफ्ट बनाना है और काफ़ी चिकना डो बनाना है, क्रैक नहीं होने चाहिए डो में। इसको काफ़ी आप गूंदेंगे तभी ये चिकना होगा। थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा तो मैदा है वो हाथों में चिपकेगी नहीं, और इसको काफ़ी गूंदना है आपने तभी चिकना होगा ये, नहीं तो चिकना नहीं होगा, क्रैक रह जाएंगे इसमें। अब देख रहे हैं वीडियो में कितना चिकना हो चुका है ये। इसको मैंने 5-6 मिनट गूंदा है। अब इसको गीले कपड़े से ढक करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। ये मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 उबले हुए आलू हैं। अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, गुठले नहीं रहने चाहिए आलू के। 1/2 टीस्पून अजवाइन है, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला है और 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब इसको मिक्स कर लेंगे मसाले को। ये मसाला देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने आलूओं में। आधे घंटे बाद हम डो को थोड़ा और मस लेंगे ताकि ये थोड़ा और चिकना हो जाए। जैसा वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपका भी डो चिकना होना चाहिए। अब इससे मैं 3 नान बनाऊंगी, 1 कप मैदा से 3 नान बन जाएंगे। अब इसको हम गोला बना लेंगे इसका और थोड़ा सा हम इसको बेलेंगे। अगर बेलने में परेशानी हो तो थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं आप। अब स्टफिंग भर लेंगे आलूओं की। अगर बेलने में लगे आपको चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। अब थोड़ा सा बेलेंगे हम इसको हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखना है। उसके बाद हम इसमें काले तिल लगा देंगे और हरा धनिया, अच्छी तरह से चिपका देंगे और इसको पलट देंगे साइड को और फिर हम इसको बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि हमने आलू की स्टफिंग भरी है। अब इस साइड हम पानी लगाएंगे, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं, तो पानी वाली जो साइड है वो तवे पे रखी जाएगी। अब इसको हाथ से उठा के और जहाँ पानी लगा हुआ है उसको हमने तवे पे रख देना है, इस तरह से जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं। हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक हमने पहले पकाना है नान को। फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब हम पलट के, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं, इस तरह से हम उल्टा करके इसको सेकेंगे। तो फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब एक साइड से आप देख रहे हैं बीच में से सिक गया है और साइड है वो थोड़ी सी कच्ची है, तो जो हमारा थोड़ा सा कच्चा रह गया साइड उसको भी हम घुमा घुमा के हम सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। अब आलू नान देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। आलू नान हमारा बनके तैयार है और कितना सॉफ्ट बना है ये दिखा रही हूँ मैं प्रेस करके। और दूसरी साइड में मैं दिखाती हूँ ये कितना अच्छा करारा सिका हुआ है पीछे से भी।
ये देखिए फ्लेम को मीडियम रखा है, तो देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर आया है, काला नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सिका है। फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। आलू नान हमारा बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह अपना फीडबैक दीजिएगा।